जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर हैं और आतंकियों को धर पकड़कर उनके साथियों को भी जहन्नम का रास्ता दिखाने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार यानी आज सुरक्षा बल शोपिया में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या करने वाले हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को साथ लेकर दूसरे आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन करने पहुँची थी। तभी वहां छिपे आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों की इस फायरिंग का शिकार गिरफ्तार आतंकी इमरान बशीर हो गया। इस मुठभेड़ में वो मारा गया। वहां अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपिया में बाहरी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी जिंदा पकड़ा गया था। उसने जो खुलासे किए थे उनके आधार पर छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच शोपिया के नौगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। उसी दौरान दूसरे आतंकी की गोली से आतंकी इमरान की मौत हो गई। गौरतलब है कि कल यानी 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुए आतंकवादी हमले में उत्तर प्रदेश के दो मजदूरों की मौत हो गई थी। दोनों मजदूर कन्नौज जिले के रहने वाले थे। वहीं कुछ दिन पहले ही शोपिया में एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनके हत्यारों को उसके ही साथियों ने मौत के घाट उतार दिया। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।